हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराने वाला हूं, जो कि आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 30 क्वेश्चन को कवर किया गया है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन का एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें, इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। स्टार्ट करते हैं। तो पहला, चित्रंतन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? चिरतन का विलोम शब्द होगा नश्वर। तो देखिए, चित्रंतन का आशय शाश्वत होता है और इसका विलोम शब्द होता है नश्वर, जबकि चिंता करने वालों के लिए चिंतितीय शब्द का प्रयोग किया जाता है और चिंता ना करने वाले के लिए अचिंतीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। नष्ट है, अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुग्रह शब्द के लिए विलोम शब्द होगा विग्रह। अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द विग्रह होता है, जबकि ग्रहण का त्याग और आग्रह का अनाग्रह और ग्रहति का अग्रहित विलोम शब्द होता है। अगला है, अनभिघ्न का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनभिघ्न का विलोम शब्द हो गया अविज्ञ। अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ होगा, उसी प्रकार अनभिज्ञ का विलोम शब्द अविज्ञ होगा। नेक्स्ट है, सौम्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो सौम्य शब्द का विलोम शब्द उग्र होगा। सौम्य शब्द का विलोम उग्र होगा, इसी प्रकार सौभाग्य का दुर्भाग्य, शत्रु का मित्र, दुराशय का सदाशय होगा। अगला देखते हैं, हास शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो हास शब्द का विलोम शब्द होगा वृद्धि। हास शब्द का विपरीत अर्थक शब्द वृद्धि होगा, जबकि हास्य का रोदन और हस्त को का पाद होगा। हसी प्रसत्र का दुखी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, न्यून शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो न्यून शब्द का विलोम शब्द अधिक होगा। न्यून शब्द का विलोम अधिक होगा, जबकि नवीन का प्राचीन, नगर का गांव होगा। नेक्स्ट है, पुष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो पुष्ट शब्द का विलोम शब्द होगा क्षीण। तो देखिए, पुष्ट शब्द का प्रयोग क्षीण होगा, जबकि प्रकृति का पुरुष और पुरस्कार का दंड एवं दुष्ट का सज्जन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, गुण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो गुण शब्द का विलोम शब्द दोष होगा। गुण शब्द का विलोम दोष होगा, जबकि गृहस्थ का संन्यास और गुणा का भाग होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीता है, वाक्य का शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो इस वाक्य का शुद्ध वाक्य होगा, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। यदि वाक्य में दोनों लिंग के एक वचन के विभक्ति रहित अनेक कर्ता और या इसी अर्थ में व्यवहार किसी अन्य अव्यय से संयुक्त हो तो क्रियाप्राय बहुवचन और पुल्लिंग होगा। अगला है, नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? आंसर होगा डी, मेरे घर के पास पान की दुकान है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, उसमें क्रम का दोष है, अक्रमक दोष के कारण भी प्राय वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। यहां पर एक पान ठीक ना होकर एक दुकान सार्थक आशय देता है। विकल्प डी, मेरे घर के पास की दुकान है, सही वाक्य होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। आंसर हो जाएगा सी, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। व्याख्या देखते हैं, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? यहां पर शुद्ध शब्द हेतु जगह कारण होगा, अतएव शुद्ध वाक्य होगा, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। तो देखिए, बोला कि पति पत्नी के का हेतु क्या हो सकता है, यहां पर शुद्ध शब्द हेतु जगह कारण होगा, इसमें ये बोल रहा था। अगला देखते हैं, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का शुद्ध रूप क्या होगा? शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा, इसमें कौन सी बर्तनी शुद्ध है ये बोल रहा है, तो इसमें बी, बर्तनी शुद्ध होगी। तो बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य वंदना होगा, ना कि वंदना या वंदना या बदना। अगला देखते हैं, जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द होगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृतज्ञ बोलते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए कृतज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसके लिए कृतज्ञ सार्थक शब्द है। तो कृत कार्य का आशय बिना हुआ कार्य और अज्ञ का आशय होता है जो नहीं जानता है। अगला है कि पेट की अग्नि को कहते हैं, तो पेट की अग्नि को कहते हैं चट रागनी। पेट की अग्नि के लिए सार्थक शब्द होगा चट रागनी। अगला देखते हैं, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत है, तो बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत है लोरी।
बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी है, जबकि सोहर बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो नब में चलता है के लिए एक शब्द होगा, तो जो नब में चलता है वो है खेचर। जो नब में चलता है के लिए शुद्ध प्रयुक्त शब्द है खेचर। खे का आशय अवकाश होता है और चर का आशय होता है चलना। अगला देखते हैं, व्याकरण के ज्ञाता के लिए शब्द है, तो व्याकरण के ज्ञाता के लिए शब्द है व्याकरण। तो व्याकरण के ज्ञाता को व्याकरण कहते हैं, अन्य तीनों विकल्प अशुद्ध हैं। नेक्स्ट है, चढ़ा बढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार, तो उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति। बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए दिए गए विकल्पों में उपयुक्त शब्द होगा अतिशयोक्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो कौन सा है, उठ ऊंट। तो देखिए निष्ट युग शब्द में सही जोड़े हैं ग्रथ खी त्वरित तुरंत टिक तीता। उठ अशुद्ध शब्द है, जबकि इसका शुद्ध शब्द रूप होगा उठ ऊंट। आंसर हो जाएगा बी आपका। देखिए विषय में बोला है निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों में युग में त्रुटिपूर्ण है, आंसर हो जाएगा सी आपका। तो देखिए गोमय का गोबर और क्षीर का खीर और सपत्नी का सौत सही युग्म शब्द है, और पयक का पटरी जोड़ा गलत है, इसका सही युग्म होगा पलक पलंग। नेक्स्ट देखते हैं, पर्ण का तद्भव शब्द क्या होगा, तो पर्ण का तद्भव शब्द होगा पत्र। तो देखिए पर्ण का तद्भव शब्द पत्र होगा, ना कि पर्ण पत्रा या पन्ना। अगला अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा, तो अंगीठी का तत्सम शब्द होगा अग्नि मिष्का। तो देखिए अंगीठी का तत्सम रूप होगा अग्नि निष्का, ना कि अग्निका अग्निगोष्ठी या अनिष्का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है, तो सूरज ये तद्भव शब्द है। उक्त दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द दिनकर दिवाकर और प्रभाकर है, जबकि सूरज शब्द तद्भव है। सूरज का तत्सम शब्द क्या होगा, सूर्य होगा, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से तद्भव है बंदर, ये तद्भव शब्द है। निकृष्ट विकल्पों में वानर पवन और पर्यक तत्सम शब्द है, बंदर शब्द ये तद्भव शब्द है। अगला कि काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है, तेज दौड़ता है, देखिए काला घोड़ा तेज दौड़ता है क्रिया के पूर्व लगने वाला विशेषण क्रिया विशेषण होता है, अतः यहां पर तेज क्रिया विशेषण है। अगला है गीला है, तो गीला कौन सी क्रिया है, तो गीला ये गुणवाचक विशेषण है। गीला में गुणवाचक विशेषण है, जिस विशेषण में रूप रंग आकार अवस्था या स्वभाव दशा स्वाद स्पर्श गंध दिशा स्थान समय भार तापमान आदि का बोध होता है, वहां गुणवाचक विशेषण होता है। अगला दोनों शब्द हैं, तो दोनों शब्द हैं समुदाय वाचक विशेषण, दोनों शब्द समुदाय वाचक विशेषण हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में विशेष कौन है, आकाश। आकाश विशेष शब्द है, इसका विशेषण आकाश ही होता है, अतः वी आकाश होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन सा है, अजित ये विशेषण है, अजित विशेषण शब्द है, जबकि अजय अकर्म और अश्वंसा विशेष शब्द हैं। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन नहीं है, अंतर ये विशेष शब्द नहीं है। तो देखिए आंतरिक आग्नेय और अधिकारी शब्द विशेषण है, अंतर शब्द विशेषण नहीं है।